Hey students, today we will discuss our second chapter, The Address, written by Marga Menko. In the second chapter, there are three major characters. First character is Marga Menko. Second character is Marga Menko's mother, Mrs. S. Third character is Mrs. Darling. She is an old acquaintance of Mrs. S. This story revolves around a address that is Marconi Street. During World War II, the Germans, means the Nazis under Hitler, invaded Holland, where 90% of people were Jews. Many of Jews fled in fear of other countries. Thousands were imprisoned in concentration camps. A woman and her little daughter has also to leave their home. The woman left all her things with a woman known to her. After some time, the woman died. However, her daughter remembered the place where she used to live with her mother. Now, we will start our summary. After many years, the narrator, who is now a young woman, come back to the woman with whom he had left all her belongings. कई सालों के बाद जो narrator है वो वापस आती है उस औरत के पास जिसके पास में वो अपना सामान जो अपना चीजें थी वो छोड़कर गई थी. Next, the narrator rang the bell. A woman opened the door. The narrator asked, "Do you know me?" जो narrator है वो क्या करती है, घर की doorbell जो है उसको बजाती है. जो वुमेन है वो दरवाजा खोलती है. यहाँ पे जो वुमेन है वो कौन है, मिसेस डॉर्लिंग है. द नरेटर आस्क्ड, जो नरेटर है वो पूछती है, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानती हो. नरेटर यहाँ पे कौन, मार्गा मिनको, यानी मार्गा मिनको जो है वो मिसेस डॉर्लिंग से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो. द वुमेन लुक्ड सर्चिंगली एट द नरेटर, और जो औरत है यानी मिसेस डॉर्लिंग जो है वो पहचान करने के लिए नरेटर की तरफ देखती है. ही हैड ओपन द डोर ओनली ए चिंक, वो दरवाजे को सिर्फ बहुत कम खोलती हैं. द नरेटर केम क्लोजर ऑन द स्टेप, तब तक नरेटर जो है वो दरवाजे के पास तक पहुंच जाती हैं. द वुमेन सेड, जो वुमेन, द वुमेन यहाँ पे यूज किया गया है किसके लिए, यस यूज किया गया है किसके लिए, मिसेस डॉर्लिंग के लिए. जो वुमेन है वो बोलती है, नो आई डू नॉट नो यू, कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती. ये नहीं जानती, ये क्वेश्चन का आंसर दे रही है. किसके क्वेश्चन का, जो नरेटर ने अभी पूछा था. द नरेटर टोल्ड द वुमेन हर मदर्स नेम एंड सैड शी वॉज हर डॉटर, जो नरेटर है वो उसे अपनी माँ का नाम बताती है और बताती है कि वो उनकी बेटी है. द वुमेन हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, और जो वुमेन है यानी कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वो दरवाजे को इस तरह से पकड़ के खड़ी हुई है मानो कि वो दरवाजे को इससे ज्यादा खुलने देना नहीं चाहती. शी कैप्ट स्टेयरिंग एट द नरेटर साइलेंटली, वो क्या कर चुपचाप से एकटक जो है लगातार नरेटर की तरफ देखती हुई रहती हैं. नेक्स्ट आगे देखते हैं. यस नेक्स्ट है, द नरेटर थॉट दैट शी वॉज परहैप्स मिस्टेकन, और जो नरेटर है वो सोचती है कि शायद उससे कोई गलती हो गई है. मीन्स गलती हो गई मीन्स परहैप्स शी वॉज नॉट द सेम वूमेन, उसे लगता है कि शायद वह वही औरत नहीं थी. शी हैड सीन हर ईयर्स अगो फॉर ए मोमेंट ओनली, क्योंकि शायद उसने गलत घर के घंटी बजा दी है. उसने ऐसा सोचा क्यों, क्योंकि उसने उस औरत को सिर्फ एक मोमेंट के लिए देखा था और वो भी कई साल पहले. नेक्स्ट, Perhaps he had rung the wrong bell, शायद उसने गलत घर की घंटी बजा दी है. But then the narrator looked at the dress the woman was wearing. उसके बाद फिर जैसे ही जो narrator है वो उन कपड़ों की तरफ देखती है जो कि उस औरत ने पहन रखे थे. She was wearing the green knitted cardigan
दैट हर मदर यूज टू वियर। और उसके बाद क्या कि उसने वही बुना हुआ हरे रंग का कार्डिगन पहन रखा था। कार्डिगन होता है स्वेटर की तरह से होता है, लेकिन इतना थिक नहीं होता है वो, ठीक है। तो वो कार्डिगन को देखती है जो कि पहना करती थी, कौन पहना करती थी, मार्गम इनको की मदर पहना करती थी। द वुडन बटन्स हैड बिकम पेल फ्रॉम वॉशिंग, और इसके लकड़ी के जो बटन थे वो कई बार धोने के कारण पीले पड़ गए थे। द वुमेन किसके, जो कार्डिगन उन्होंने पहना हुआ था, ठीक है, सेम कार्डिगन उनके पास भी, मिसेस डॉलिंग के पास भी हो सकता था, लेकिन इतना ही ओल्ड और बिल्कुल उसी कलर का, और उसी तरह से उसके जो वुडन बटन्स थे वो भी पूरी तरह से फेल हो चुके थे। तो इससे उसे पता चल जाता है क्या कि द वुमेन सा दैट द नरेटर लुकिंग एट द कार्डिगन एंड शी हाफ हिड हर सेल्फ बिहाइंड द डोर। और जैसे ही वो औरत देखती है कि नरेटर जो है उसके कार्डिगन की तरफ देख रही थी, तो उसने खुद को क्या किया, आधा दरवाजे के पीछे छिपा लिया। द गर्ल नाउ न्यू दैट शी हैड कम टू द राइट प्लेस। अब लड़की समझ जाती है कि वो बिल्कुल सही जगह पे आई है, क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था कि उसे लगता है कि शायद उससे गलती हो गई है। गलती हो गई है मीन्स क्या, कि शायद वो गलत एड्रेस पे पहुँच गई है। लेकिन जैसे ही वो अपनी मदर के कार्डिगन को देखती है और साथ में देखती है कि वो औरत उसे छिपाने की कोशिश कर रही है, तो वो समझ जाती है कि वो बिल्कुल सही जगह पे आई है। नेक्स्ट, यू न्यू माई मदर, द नरेटर आस्क्ड, और नरेटर ने पूछा क्या आप मेरी माँ को जानती थी। हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन, आई थॉट नन ऑफ यू हैड कम बैक। इससे पहले मैंने आपको डिटेल में जब बताया था, तो मैंने बताया था कि ये बात उस समय की है जब जो नाजीज थे उनके साथ में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, जर्मन और नाजीज ज्यूज को उन्होंने क्या कर दिया था, ज़्यादातर ज्यूज जो थे वो हॉलैंड को छोड़कर जाने लगे थे। तो वही उस वाले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। किसने, जो मार्गम इनको है और मार्गम इनको की मदर हैं। तो उसके बाद वो बोलती हैं कि हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन, आई थॉट नन ऑफ यू हैड कम बैक, कि तुम लोग वापस आ गए हो, मैंने सोचा था तुम में से कोई भी वापस नहीं आया था, ओनली मी। और जो हमारी नरेटर है उसने कहा कि केवल मैं ही आई हूं। इट मींस क्या कि उसकी मदर जो है ड्यूरिंग द वॉर उनकी डेथ हो जाती है। आई रिग्रेट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। और उसके बाद मिसेस डॉर्लिंग बोलती हैं, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। उसके बाद नरेटर ने कहा कि देखिए मैं स्पेशल ट्रेन लेके आपसे यहाँ पे बात करने के लिए आई हूँ, यानी कि स्पेशली मैं यहाँ पे आपसे बात करने के लिए आई हूँ इतनी दूर से, और मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूँ। It is not convenient for me now, said the woman. Come another time. और उस औरत ने किस औरत ने यहाँ पे किस औरत ने मिसेस डॉर्लिंग ने कहा कि इस समय यह मेरे लिए जो है कॉन्वेंट नहीं है। कॉन्वेंट मीन्स क्या होता है, सुविधाजनक नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए, तुम किसी और टाइम पे आना। द वुमेन courteously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उस औरत ने सावधानी पूर्वक दरवाजा इस तरह से बंद कर दिया कि मानो कि वो अंदर किसी को भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हो। द नरेटर लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, और जो नरेटर है वो नेम प्लेट को दोबारा से देखती हैं। डॉर्लिंग, इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट इनेमल एंड ए बिट हायर द नंबर 46। और उसके बाद वो एक सफेद पेंट के ऊपर काले अक्षरों में डॉर्लिंग लिखा हुआ था, और इसके थोड़ा ऊपर नंबर भी लिखा था, नंबर 46। नेक्स्ट, द नरेटर वॉक्ड बैक स्लोली टू द स्टेशन, और उसके बाद जो नरेटर है वो वापस स्टेशन की तरफ चल दी। शी बिगिन टू थिंक अबाउट हर मदर हु हैड गिवन हर एड्रेस ईयर्स अगो। उसके बाद वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगती है कि उसे वर्षों पहले यह पता दिया था, यह एड्रेस दिया था। वो अपनी माँ के बारे में सोचती है
देन इट वॉज द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, कि ये बात उस समय की है. वो सोचती है वहाँ से मिसेस डॉर्लिंग के घर से और रेलवे स्टेशन जाते हुए रास्ते में वो ये सारी चीज़ें सोचती है कि ये बात उस समय की है. उस समय की है कब, जब युद्ध का स्टार्टिंग हुई थी उसी समय. नेक्स्ट, द नरेटर हैड कम होम फॉर अ फ्यू डेज. परहैप्स यहाँ पे आगे जो लिखा है कि नरेटर जो है वो कुछ दिनों के लिए घर आई थी, इट मीन्स क्या कि परहैप्स शी वॉज देन ए स्टूडेंट एंड लिव्ड इन द स्कूल हॉस्टल, कि शायद हो सकता है कि वो हॉस्टल में रहती है, इसलिए कहा गया है कि वो कुछ दिन के लिए घर आई थी, हॉस्टल में रहती थी और एक स्टूडेंट थी. शी कुड सी इमीडिएटली दैट समथिंग अबाउट द रूम्स हैड चेंज, और एकदम से ही वो देख पा रही थी, एकदम से ही वो देखते ही समझ जाती है कि कमरे में काफ़ी बदलाव आ गया था. क्या चेंज आ गए थे, शी मिस्ड वेरियस थिंग्स, वो देखती है कि वहाँ से कई चीज़ें जो थी वो गायब थी. देन हर मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और उसके बाद उसकी माँ ने उसे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया. द वुमेन वॉज ओल्ड एक्वेटेंस ऑफ हर मदर, और उसकी माँ उसको बताती है कि वो उसकी पुरानी जानकार है. एक्वेटेंस होता है जानकार. होम द मदर हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, जिससे उसकी माँ ने कई वर्षों पहले तक नहीं देखा था. बट देन शी हैड सडनली टर्न अप एंड रिन्यूड हर कॉन्टेक्ट विद द नरेटर्स मदर, लेकिन अब वो अचानक आ गई और नरेटर की माँ से उसने दोबारा से अपने कॉन्टेक्ट को रिन्यू कर लिया. सिंस देन शी हैड स्टार्ट कमिंग रेगुलरली बट द नरेटर हैड नेवर हर्ड ऑफ हर टिल देन, और उसके बाद वह रेगुलर तरीके से उनके घर पे आने लगी, लेकिन नरेटर ने उसके पहले उसके बारे में कभी भी कुछ नहीं सुना था. नेक्स्ट, All the Jews living in Holland were in great fear of Nazis. जितने भी हॉलैंड में रहने वाले जितने भी Jews जो है वो क्या होते हैं, Jews का मतलब होता है यहूदी, वो सारे के सारे नाजियों से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे. Many of them had fled in fear, बहुत ज़्यादा उनसे डरे हुए थे. द नरेटर एंड हर मदर वॉज ऑल्सो ज्यूज, और जो हमारे नरेटर हैं और उनकी जो मदर हैं वो भी क्या थी, ज्यूज थी, यहूदी थी. द मदर लाइक द अदर ज्यूज हैड डिसाइडेड टू लीव द प्लेस क्विकली, और माँ ने जो बाकी यहूदियों की तरह से इस बात को जल्दी से इस बात का निर्णय लिया कि वो जल्द ही यहाँ से चली जाएंगी. मिसेस डॉर्लिंग हैड परहैप्स कम टू नो ऑफ इट, और मिसेस डॉर्लिंग को शायद इस बात का पता चल गया होगा. शी वॉज नॉट ए जू, और जो मिसेस डॉर्लिंग है वो यहूदी नहीं थी. एंड हैड नो फियर ऑफ द वॉर, और उन्हें युद्ध का कोई डर नहीं था. शी हैड वेरी कनिंगली रिन्यूड द एक्वेटेंस विद नरेटर्स मदर, और फिर उसने बड़ी चालाकी से क्या किया, नरेटर की माँ से दोबारा जान पहचान कर ली. नेक्स्ट, शी हैड सजेस्टेड टू द नरेटर्स मदर दैट शी कुड कीप हर थिंग सेफ विद हर इफ शी हैड डिसाइडेड टू गेट अवे फ्रॉम देयर, और जो मिसेस डॉर्लिंग हैं उन्होंने सुझाव दिया मिसेस एस को कि यदि वो अपना सामान उसके पास सुरक्षित छोड़ सकती थी यदि उसने वहाँ से चले जाने का निश्चय कर लिया है तो. As the narrator walked back to the station, और she recalled what her mother had said about the woman. और उसके बाद जब narrator वापस स्टेशन की तरफ जा रही थी तो उसने उन बातों को याद किया जो उसकी माँ ने उस औरत के बारे में कही थी. Every time she leaves here, she टेक समथिंग होम विद हर, हर बार जब भी वह वहाँ से जाती, कौन, जो मिसेस डॉर्लिंग है, जब भी मिसेस एस के घर से जाती थी वो अपने साथ कुछ ना कुछ हमेशा ले जाती थी. क्या क्या, शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर डिशेज मेडेड ऑफ सिल्वर इन वन गो, कि चांदी के सारे बर्तन वो एक ही बार में ले गई. And then the antique plates and that hung there. और उसके बाद वो पुराने ढंग की, यानी कि पुराने ढंग की जो antique plates होती हैं, antique plates क्या होती है, जो कि अभी बहुत मुश्किल से जो है वो पाई जाती हैं, काफ़ी अच्छी कलाकारी जो है वो कलाकृति उनके ऊपर बनी होती है.
तो वो पुराने ढंग की प्लेटें जो वहां टंगी हुई थी, शी हैड ट्रबल कैरिंग दोज लार्ज वेजेस, उन बड़े बड़े फूलदानों को ले जाने के लिए भी आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक। वो उनको काफी, जो मिसेस एस है वो सोचती है कि उन्हें अवश्य ही इस चीज के लिए काफी कष्ट हुआ होगा, और मुझे डर है कि स्टिफ, यहाँ पे मीनिंग में लिखा हुआ है स्टिफ फीलिंग इन वन्स मसल्स स्पेशली इन द नेक, कि जब एकदम से हम उसको बोल देते हैं जैसे मोच आ जाती है भारी वजन या इस तरह से उठाने की वजह से। इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, मिसेस एस जो है वो उनके लिए, मिसेस डॉर्लिंग के लिए चिंतित है कि वो बेचारी डेली हमारा इतना इतना सामान जो है वो सिल्वर टेबल स्पून, एंटिक प्लेट्स और इतने भारी भारी जो वेसेस हैं जो फ्लावर्स के, वो उनको भारी भारी को उठा के ले जा रही है, कहीं बेचारी की कमर में जो है वो मोच ना आ जाए। द मदर शुक हर हेड पिटिंगली एंड कॉन्टिन्यूड। उसके बाद माँ ने जो है दुखपूर्वक अपना सिर हिलाते हुए कहा, आगे बोलना शुरू किया, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हिमसेल्फ, कि मेरा तो कभी उनसे ये पूछने का साहस नहीं हुआ होता। क्या पूछने का साहस नहीं होता कि भाई क्या मैं तुम्हें जो है अपना सामान, तुम मेरे मेरा सामान जो है वो अपने घर पर रख सकती हो या नहीं रख सकती। शायद मैं ऐसा कभी पूछने का साहस उनसे ना कर पाती, लेकिन क्या शी इवन इंस्टेड शी वॉन्टेड टू सेव ऑल द नाइस थिंग्स। इसके बजाय उन्होंने खुद ही मुझे इस चीज का सुझाव दिया। किस चीज का सुझाव दिया कि उसने तो इसके लिए जिद भी की, किस चीज के लिए, कि शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि वो मेरी जितनी भी बढ़िया चीजें हैं, जो महंगी चीजें हैं, उनको बचाना चाहती है। नेक्स्ट, इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लॉस एवरी थिंग सी सेज। और उसने साथ में मुझे ये अच्छी बात भी बताई। कौन सी अच्छी बात बताई? कि यदि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा तो हम सारी चीज़ों को खो बैठेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि युद्ध का टाइम था, और यदि वो रहे तो उनका घर पूरी तरह से खत्म हो सकता था। इसलिए जो मिसेस डॉर्लिंग है वो उसको सजेशन देती है कि जितनी भी आपकी महंगी चीज़ें हैं वो आप मेरे पास रख दीजिए, जब आप वापस आएंगी तो आपका ये सामान आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, हैव यू टोल्ड हर दैट वी विल टेक बैक दोज थिंग्स व्हेन वी कम बैक, द नरेटर आस्क्ड। और नरेटर ने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या आपने उससे कह दिया था कि जब हम वापस आएंगे तो हम उन चीजों को ले लेंगे? इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, सेड द मदर। माँ ने कहा कि इस तरह से बातें करना क्या होगा, उनकी इंसल्ट करने जैसा होगा। इट मीन्स क्या कि एक तो वो हमारी इतनी हेल्प कर रही है, और फिर मैं उनके ऊपर ऊपर से ये शक करूं कि आप हमारे सामान दे देंगी या नहीं दे देंगी, तो ये उनसे लिए उनके लिए एक इंसल्टिंग थिंग होगी। नेक्स्ट, एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ द डोर विद फुल सूटकेस और बैग, कि सोचो कि वो कितना जोखिम उठा रही हैं, कि क्योंकि वो हर बार जब हमारे घर से जाती हैं तो अपने हाथ में भरा हुआ सूटकेस या फिर थैला लेते हुए जाती हैं। द मदर मीन्स टू से दैट द वुमेन वुड बी इन ट्रबल इफ शी वॉज सीन बाय नाजीज। इसका मतलब, माँ का कहने का मतलब क्या था कि भाई देखो, जब अगर जो नाजीज हैं उन्होंने जूस के घर से किसी को निकलते हुए देखा, उसकी हेल्प करते हुए देखा, तो वो समस्या में पड़ सकती थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से इसका एहसान है हमारे ऊपर कि हमारे सामान को जो है वो लिए जा रही है, अपने पास में सेव रख रही है, तो ये इसका एहसान है हमारे ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, द नरेटर वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड एंड दे डिड नॉट टॉक एनी मोर अबाउट इट। जो नरेटर है वो पूरी तरह से अपनी माँ के आंसर से जो है सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, और फिर उन्होंने इसके बारे में और कभी बात नहीं की। वाइल थिंकिंग ऑल दिस द नरेटर हैड अराइव्ड एट द स्टेशन।
ये सारी की सारी जो बातें हैं वो ये सोचती हैं जब वो वहां से मिसेस डॉर्लिंग के घर से डोरबेल बजाकर कार्डिगन देखकर जब रास्ते में घर जा रही होती हैं, कहाँ रेलवे स्टेशन तक जाती हैं, तो रास्ते में ये सारी बातें वो यानी कि फ्लैशबैक में यहाँ तक की जो स्टोरी है वो चलती है। शी डिड नॉट पे मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। वो रास्ते में जितने भी चीजें हैं उन किसी भी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देती। शी वॉज वॉकिंग दोज फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। और उसके बाद वह पहली बार ऐसा था यानी कि युद्ध के बाद पहली बार उन जानी पहचानी जगहों से जा रही थी। बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट हरसेल्फ विद पास्ट मेमोरीज। लेकिन पुरानी बातों को याद करके वो खुद को परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए रास्ते में जितनी भी चीजें थी उनकी तरफ किसी की तरफ भी उसने यानी कि मार्गामिनको ने ध्यान नहीं दिया। वाइल सिटिंग इन द ट्रेन द इमेज ऑफ मिसेस डॉर्लिंग केम बैक टू हर माइंड। और जब वो ट्रेन में बैठी तो श्रीमती यानी कि मिसेस डॉर्लिंग जो है उनका चेहरा दोबारा से आ गया, दोबारा से उनके सामने आता है। कैसे? एज शी हैड सीन हर फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसा कि पहली बार उन्होंने देखा था। इट मीन्स क्या कि बिल्कुल हल्के से जैसा एक मोमेंट के लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम उसे देखा था, ऐसा ही एक मोमेंट के लिए उसे उन्हें ऐसा लगता है, मार्गामिनको को ऐसा लगता है कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो उनके सामने है। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे हर मदर हैड टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। और वापस से अब स्टोरी जो है वो वापस से फ्लैशबैक में चलती है। इस पे जो मिसेस डॉर्लिंग है, सॉरी, इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, और ये बात उस दिन के बाद वाली मॉर्निंग की बात है कब हर मदर हैड टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, जब नैरेटर की माँ ने उसे डॉर्लिंग के बारे में बताया था। शी हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स। उस दिन के बारे में जो नैरेटर है वो याद करती हैं कि कैसे उस दिन वो देर से उठी थी, जगी थी, और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्होंने देखा, क्या देखा? सी सॉ हर मदर अबाउट टू सी समवन आउट। वो देखती हैं कि कोई एक लेडी है और उसकी माँ जो है वो उसको बाहर छोड़ने के लिए जा रही है। शी वॉज ए वूमेन विद ए ब्रॉड बैक। वो देखती हैं, ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा और बैक होती है पीठ, कि वो देखती है कि एक चौड़ी सी पीठ वाली जो औरत है वो उनके घर से जा रही है, यानी कि सिर्फ वो उनके बैक साइड को ही देख पाती हैं, फेस को नहीं देख पाती। कौन? मार्गामिन को। और यही रीजन था कि जब वो डोरबेल बजाती हैं और जब तक वो कार्डिगन नहीं देखते हैं तब तक उनको ऐसा लगता है कि मानो कि उनसे मिस्टेक हो गई है। देर इज माई डॉटर एंड सेड द मदर टू वुमेन। जो मदर है यानी कि मिसेज एस है, वो नरेटर की जो मदर है वो कहती है कि ये मेरी बेटी है। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। और जो औरत है यानी कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वो अपना सिर हिलाती है, कोट रैक के नीचे सूटकेस उठा लेती हैं। शी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट। उसने एक भूरे रंग का कोट और एक बेढंगा सा टॉप पहन रखा था। डज शी लिव फार अवे? द नरेटर आस्क्ड हर मदर बिकॉज द वुमेन हैड क्वाइट डिफिकल्टी इन कैरिंग द हैवी केस। क्या यह कहीं दूर रहती है? नरेटर ने अपनी मम्मी से पूछा, क्योंकि उस औरत को भारी सूटकेस को उठाने में काफी दिक्कत हो रही थी। इन द मार्कोनी स्ट्रीट सेड हर मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट। और उसकी मदर ने यानी कि मिसेज एस ने मार्गामिनको को बताया कि ये यहीं पर रहती है। कौन सी? मार्कोनी स्ट्रीट में। मार्कोनी स्ट्रीट में भी कहाँ पर? नंबर 46 में रहती हैं। द नरेटर हैड रिमेंबर्ड इट। और उसी दिन बस नरेटर को याद हो गया था। बट शी हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर। लेकिन उन्होंने काफी लंबे समय तक इंतजार किया वहां पर जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन ऑफ द कंट्री ऑफ नाजीज फ्रॉम द नाजीज शी वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द शॉर्टेड स्टफ। और देश की नाजियों से स्वतंत्रता के तुरंत बाद उसने पहले तो अपनी माँ की उन चीजों में कोई रुचि नहीं दिखाई। नेक्स्ट, एंड शी वॉज अफ्रेड टू लुकिंग एट द थिंग्स दैट बिलोंग टू हर मदर वो नो लॉन्गर लिव्ड इन दिस वर्ल्ड।
things which had remained hidden in boxes for years. और उसके बाद वो सोचती है और अब वह उन चीज़ों को देखने से डरती थी क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें उसकी स्वर्गवासी माँ की थीं और वे चीज़ें जो कई सालों से जो है वो बक्सों में बंद पड़ी हुई होंगी. बट वन डे शी कम्स क्यूरियस अबाउट ऑल द थिंग्स दैट मस्ट बी एट दैट एड्रेस. लेकिन एक दिन उन सारी चीज़ों के बारे में वो क्या करती हैं कि क्यूरियस होती है, जिज्ञासु होती है, उत्सुक होती है उन चीज़ों को वापस से पाने के लिए, उनको देखने के लिए, और वो उस एड्रेस पे चली जाती हैं जो कि उसकी मदर ने बताया था यहाँ पर. नेक्स्ट शी वॉन्टेड टू सी दैम, टच देम एंड रिमेम्बर दोज ओल्ड डेज. वो वापस से उन चीज़ों को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और उन पुराने दिनों को याद करना चाहती थी. आफ्टर हर फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस द नरेटर डिसाइडेड टू ट्राई टू ए सेकेंड टाइम. और जबकि पहली बार जब नरेटर जो थी वो उसके मिसिज डॉर्लिंग के घर पर गई तो उनकी पहली जो कोशिश थी वो नाकामयाब रही. लेकिन अब वो दोबारा से कोशिश एक बार जो मार्गम इनको है वो करना चाहती है. नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू हर. अब जैसे ही वो दोबारा से जाती हैं घर पे, दोबारा से जो 46 मार्कों ने स्ट्रीट में दोबारा डोर बेल को रिंग करती हैं और उस टाइम पे क्या होता है, अब की बार लगभग एक 15 ईयर्स की जो लड़की है वो दरवाजा खोलती है. The narrator asked her if her mother was at home. और जो narrator है वो उससे पूछती है कि क्या उसकी जो mother है वो घर पे हैं? No. She said my mother has gone for some work. जो लड़की है, जो लड़की यहाँ पे जो लड़की की बात की जा रही है वो कौन है? Mrs. Darling की बेटी है. तो Mrs. Darling की जो बेटी है वो क्या कहती हैं कि मेरी माँ किसी काम के लिए बाहर गई हुई हैं. नो मैटर सेड द नरेटर, आई विल वेट फॉर हर. और नरेटर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार करूंगी. द नरेटर फॉलोड द गर्ल इनटू द हाउस. एन ओल्ड फैशन आयरन कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर. और उसके बाद जो नरेटर हैं उस लड़की के पीछे पीछे घर में आ जाती हैं. एक पुरानी किस्म का लोहे का बना मोमबत्ती स्टैंड शीशे के बगल में लटका हुआ देखती है. द नरेटर एट वंस न्यू इट वॉज हर मदर्स. और नरेटर जो है वो तुरंत ही समझ जाती हैं कि ये उसकी माँ का था. दे नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर डिफिकल्ट टू हैंडल देन ए सिंगल कैंडल स्टिक. वो उन्होंने कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं किया था. क्यों? क्योंकि वो एक अकेली मोमबत्ती उठाने से काफ़ी ज़्यादा वजन वाला था. वुड नॉट यू सिट डाउन द गर्ल आस्क्ड द नरेटर. द नरेटर स्टूड हॉरिफाइड. लड़की ने पूछा कि क्या आप बैठेंगी नहीं. जो नरेटर है वो पूरी तरह से घबराई हुई सी खड़ी रही. शी फाउंड herself in the midst of the things she wanted to see again. उसने अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाया जिन्हें वह दोबारा देखना चाहती थी. But she felt so oppressed by the strange atmosphere, by the tasteless was everything was arranged. लेकिन वो अपने आप को एक अजीब से वातावरण में पाती हैं, अजीब से एनवायरमेंट में पाती हैं और बेढंगे तरीके से चीज़ों को रखने की वजह से अप्रसन्नता महसूस कर रही थी. She scarcely dared to look around her. और उसने उसका अपने आसपास देखने का हौसला नहीं हो पा रहा था. वो इतने ज़्यादा जो है साहस नहीं कर पा रही थी अपने आसपास की चीज़ों को देखने में. The girl moved a chair for her. तो जो लड़की यानी कि जो मिसेज डॉर्लिंग की जो बेटी है वो क्या करती है कि उसके लिए कुर्सी ले आती है. द नरेटर सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ. जो नरेटर है वो वहाँ पे बैठ गई और जो ऊनी मेज पोस्ट वहाँ पे था उसको देखने लगी. शी स्टार्टेड रबिंग इट. उसके बाद उसने उस टेबल क्लॉथ को उठाया और धीरे से उसको अपने दोनों हाथों के बीच में जो है वो रख के उसको रब करके देखा. हर फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग. और जैसे उसको रब किया तो क्या हुआ कि उसकी जो उंगलियां हैं वो गर्म होने लगी. शी फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न ऑन द एज
देयर वॉज ए बर्न मार्क वॉट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। वह उसके डिजाइन में उंगलियां फेरने लगी। मेजपोश के किनारे पर जलने का निशान था जिसकी कभी मरम्मत नहीं की गई थी। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, मेरी माँ जो है वो जल्दी वापस आएगी, उस लड़की ने कहा। किस लड़की ने? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने पहले से ही उनके लिए चाय बना के रखी हुई है। विल यू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप भी एक कप चाय लेना चाहेंगी? थैंक यू, सेड द नरेटर एंड लुक्ड अप, लड़की ने धन्यवाद कहा और ऊपर देखने लगी। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की जो थी वो चाय की मेज पर कप जो थे वो उसने रख दिए। शी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी पीठ भी अपनी माँ की तरह से चौड़ी थी, जस्ट लाइक हर मदर। शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, और पॉट का मतलब होता है, पॉर का मतलब होता है छानना, ठीक। नेक्स्ट है उसके बाद, उसने एक वाइट पॉट यानी कि एक सफ़ेद पॉट से क्या किया, पॉट मीन्स क्या, यहाँ पे केटली जो केटल है उससे चाय जो है वो छानी। द पॉट हैड ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, लिड होता है ढक्कन, और उसने क्या किया, केतली के ढक्कन से, केटल के ढक्कन से जो है ढक्कन के ऊपर क्या था, सुनहरी रंग का बॉर्डर जो था वो बना हुआ था। द नरेटर रिमेम्बर्ड इट, और नरेटर को अभी भी ये सारी की सारी चीजें याद थी। इट मीन्स क्या कि जो केटल थी वो भी नरेटर की थी। नेक्स्ट, द गर्ल ओपन ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, जो लड़की है वो क्या करती है, चम्मच बाहर उसने निकाले और उसके बाद उसने देन शी पोर्ड आउट टी फॉर द नरेटर, और उसके बाद उसने नरेटर के लिए जो है वो चाय डाल दी। दैट्स ए नाइस बॉक्स, सेड द नरेटर एज इफ टू हरसेल्फ, यह एक बहुत बढ़िया बॉक्स है, नरेटर ने जैसे खुद को कहा हो, यानी कि उसे वो आवाज एक सुनाई देती है। द गर्ल लाफ्ड एंड सेड माई मदर सेज इट इज एन एंटिक, वी हैव गोट लॉस्ट मोर, सी पॉइंटेड राउंड द रूम एंड सेड सी फॉर योर सेल्फ, लड़की एकदम से हंस पड़ती है, कौन, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, और बोलती है कि मेरी माँ कहती है कि ये पुराने ढंग की यानी एंटिक चीजें हैं, इस तरह के हमारे पास बहुत सी हैं। कमरे में चारों तरफ इशारा करके वह बोलती है कि आप खुद ही देख लो, और उसे इस चीज़ का पता नहीं कि जिस चीज़ों को वो दिखा रही है वो सारी की सारी किसकी है, उन्हीं की है जिनको वो इशारा करके दिखा रही हैं। द नरेटर हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, नरेटर को कोई ज़रूरत नहीं थी उसके इशारों की, कोई ज़रूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें वो पहले से ही देख चुकी थी, यानी कि जो सारी चीज़ें थी वो उन्हीं की थी। शी न्यू विच थिंग्स द गर्ल मीट, वो जानती थी कि उस लड़की का किन चीज़ों के बारे में वो बात कर रही है। शी जस्ट लुक्ड एट द टी टेबल एज अ चाइल्ड, लुक्ड एट द टी टेबल, बस वो क्या करती है कि चाय की मेज की तरफ देखती रहती है। एज अ चाइल्ड शी हैड ऑलवेज लाइक्ड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, जब वह छोटी थी, प्यूटर का मतलब होता है कांसा होता है, तो जब वह छोटी थी तो उस समय पे उसे कांसे वाली प्लेट में, कांसे की बनी हुई प्लेट में सेब खाना जो था वो बहुत ज़्यादा पसंद था, किसको, मार्गामिनको को। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग सी सेड, वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, उस लड़की ने कहा हम इसका प्रयोग हर चीज़ के लिए करते हैं, एक बार तो हमने दीवार पर टंगी उन प्लेटों में भी खाना खाया था। The narrator had found the burn mark on the tablecloth. Again, the thoughts of her mother flooded her mind. She said as if to herself. और लड़की जो है वापस से मेजपोश पर जले उस निशान के निशान जो था वो मिल गया था उसे, जिसके बारे में अभी तक वो सर्च कर रही थी, कौन, मार्गामिन को, फिर से उसके मन में उसकी माँ की यादें भरने लगी और उसने जैसे अपने आप से कहा, क्या, माई मदर वॉन्स आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि मेरी माँ ने एक बार मेरे से पूछा था कि क्या मैं चांदी को पॉलिश करने में उनकी सहायता करूँगी। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी हैड मीन्ट, तो मैंने उनसे पूछा कि वो कौन सी चांदी की बात कर रही हैं,
She replied surprised that it was the spoons, forks and knives. कि वो कौन सी चांदी की बात कर रही है, जो चम्मच, जो कांटे, फॉक्स जो होती हैं, जो छुरियाँ होती हैं, नाइव्स, चाकू जो होते हैं, उनके बारे में बात कर रही हैं. इट मीन्स कि वो सारी की सारी सिल्वर की बनी हुई थी. एंड दैट वॉज स्ट्रेंज थिंग, आई डिड नॉट नो दैट द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर. और उसके बाद मार्गम इनको कहती हैं कि ये मेरे लिए एक बहुत अजीब बात थी कि जिन बर्तनों में हम रोज खाना खाते थे वो चांदी के बने हुए थे, मुझे इस चीज का पता नहीं था. द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा से हंसती है. आई बेट यू आई डू नॉट नो इट इज आइदर, सेड द नरेटर. और उसके बाद नरेटर ने कहा, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि यह बात तुम्हें भी नहीं मालूम होगी. When what we eat with, she asked. Narrator ने पूछा, what we eat with, she asked. लड़की ने पूछा कि क्या हम जिन बर्तनों में खाते हैं, इट मीन्स क्या वो आगे पूछना चाहती है कि क्या हम जिन बर्तनों में खाते हैं वो चांदी के बने हैं. इसमें जो नरेटर है वो बोलती है, well, do you know? अच्छा तो क्या तुम्हें पता है. She hesitated. She hesitated. She walked to the slide board and wanted to open a drawer. जो लड़की है वो हिचकिचाती है और कोने में बनी अलमारी की तरफ चली जाती है और एक drawer जो है दराज खोलती है. I will look at it. It is in here. वह बोलती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ, वो यहाँ पर रखे हुए हैं. द नरेटर जंप्ड अप, शी वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, शी हैड टू कैच द ट्रेन. और जो नरेटर है वो अचानक से एकदम उठती है, उसे ध्यान नहीं रहता. क्या ध्यान नहीं रहता, समय का उसे ध्यान नहीं रहता कि उसे गाड़ी, जो ट्रेन है वो वापस से पकड़नी है, यानी कि ट्रेन से उसे वापस जाना है और ट्रेन का टाइम हो चुका है. ये बात नरेटर भूल जाती है. द गर्ल हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर. और जो लड़की का हाथ है वो दरवाजे पर था और उसने कहा कि क्या मेरी माँ का इंतजार नहीं करना चाहती हैं. नो आई मस्ट गो, सेड द नरेटर एज शी वॉक्ड टू द डोर. द राइट पुल्ड द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन एज शी स्टेप्ड आउट. शी कुड हियर द जिंगलिंग ऑफ द स्पून्स एंड फॉक्स. जो लड़की का हाथ दराज पर था, क्या आपने मेरी माँ का इंतज़ार आप नहीं करना चाहती हैं. इस पे जो नरेटर है वो बोलती है कि नहीं, मुझे जाना होगा. और नरेटर ने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, लड़की ने झट से जो है दराज खोल दिया. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड As she stepped out, she could hear the jingling of the spoons and forks. और जैसे ही नरेटर दरवाजे से बाहर आ रही थी तो उसे चम्मचों और कांटों की खनखनाहट सुनाई दी. As the corner of the road, she looked up the name plate, Marconi Street, it said. The narrator had been a number 46. सड़क के किनारे पर आकर उसने नेम प्लेट की तरफ देखा.